दोस्तों हम सब इस समय खड़े हैं कप्तानगंज मार्केट में। मार्तंड प्रभात न्यूज चैनल की जो पहल की गई है, आप कोरोना नायक बनना चाहते हैं, खलनायक बनना चाहते हैं, उसी मुहिम का हिस्सा बने हैं जयप्रकाश सोनी, पूर्व क्षेत्र पंचायत सदस्य। आइए उनसे जानते हैं कि आप अपने क्षेत्र के लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं। हम पहले तो अपने माननीय श्री प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने ये बहुत अच्छा पहल लॉकडाउन वाला जो उन्होंने उठाया और देश के प्रति जन जन तक संदेश पहुंचाया, उस बात के लिए बहुत ही धन्यवाद देते हैं। और मैं अपने देश प्रदेश अपने ग्राम सभा अपने बाजार अपने जिले के लोगों से ये कहना चाहता हूं कि लॉकडाउन का पालन बहुत ही सतर्क तरीके से करें, एक साथ न रहें, दूरी बना के रहें, घर में रहें, स्वस्थ रहें, अच्छे रहें, इससे अच्छी बात कोई और नहीं हो सकती। अभी इसका कोई वैक्सीन नहीं बना हुआ कोरोना बीमारी का, जिस दिन वैक्सीन बन जाएगा वो सारी दिक्कतें खत्म हो जाएंगी। उसके बाद हमको एहतियात यही बरतना है कि ज्यादा से ज्यादा हम दूरी बना करके और ज्यादा से ज्यादा अपने घर में रहें, इससे ज्यादा और कुछ न कह करके मैं अपने स्वास्थ्यकर्मियों का जो अपने बच्चों का अपना घर परिवार छोड़ करके लोगों का सेवा कर रहे हैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और अपने पुलिस महकमा को आला अधिकारी को और उनके नीचे स्तर सिपाही और एसओ को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं जो सारे दिन रात चल करके इस बीमारी से लड़ रहे हैं, लोगों को अलर्ट कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं, लोगों को सिखा रहे हैं कि आप दूरी बना के रखें, आप भीड़ ना लगाएं, आप अपने घर में रहें, स्वस्थ रहें, अच्छे रहें, सुंदर रहें, अपने परिवार में रहें। धन्यवाद। दोस्तों हम लोगों के साथ थे जयप्रकाश सोनी जी, आपका हमारे चैनल पे आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।